नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम वीडियो लेके आए हैं मैथ्स इन हिंदी। हिंदी में हम मैथ्स को डिस्कस करेंगे। देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो मेन फोकस रहेगा इस सेशन का वो HP JBT टेट रहेगा, जहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई मैथ्स के, 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन ये किस में होगा? हिंदी में होगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे हिंदी मीडियम के, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की ओर बढ़ते हैं। भाई नंबर सिस्टम यानी कि संख्या के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है अंक। अंक क्या होते हैं भाई? ये तो सभी को पता है। अंक यानी कि डिजिट। डिजिट क्या है भाई? जो भी हमारी गिनती के होते हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो ऑन, जहां तक भी आप बोलना चाहो, जहां तक भी आपको गिनती आती है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अंक हो जाएंगे, ठीक है जी। अब देखो ये जो अंक होते हैं 9 तक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि आगे तो वो क्या करेंगे हम 11 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 अंक 1 और 1 हो जाएगा भाई। फिर हम 12 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 अंक का यूज हो रहा है। तो हम अंकों को हम जनरली क्या बोलते हैं? 0 से 9 तक जितने भी हमारे डिजिट होते हैं मैथ्स में, वो अंक हो जाते हैं। ठीक बात हो गई इतनी। अब उसके बाद सिंपल सी बात है भाई, ये देखिएगा इसको किस किस तरह से लिखा जाता है। रोमन में इस तरह से लिखे जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और भारतीय संख्या में, तो भारतीय में देखो ये जो हमारी भारतीय देवनागरी है वहां पे किस में किस तरह से लिखे जाते हैं? एक को ऐसे लिखा जाता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और एक अंतर्राष्ट्रीय की बात करिए, इंटरनेशनल, तो ये देखो 1, 2, 3, 4 सिंपल जो हम लिखते हैं उसी तरह से। ठीक बात हो गई। चलिएगा एक और बात बता देता हूं, जब 2 डिजिट आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? वो संख्या बनाते हैं, ठीक है, संख्या बनाते हैं। जैसे कि हम बात कर देते हैं भाई 100 है। 100 क्या है? एक संख्या है। और इसमें डिजिट कौन कौन से यूज हुए हैं? 1 हुआ है, 0 हुआ है, 0 हुआ है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं भाई 1521 की, तो ये भी क्या है? एक संख्या है भाई, ठीक है। और इसमें अंक कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 5 है और 1 है, ये यहाँ इसमें अंक हो जाएंगे। ठीक बात हो गई। चलिए जी आगे बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स की वैल्यू, तो देखो एक होती है फेस वैल्यू, जिसको कि हम बोलते हैं वास्तविक मान, और लोकल वैल्यू, शुद्ध मान जिसको हम बोल देंगे, ठीक है। और दूसरी होती है स्थानीय मान, जिसको कि प्लेस वैल्यू। अब स्थानीय से समझ आ रहा है, स्थान की बात करी गई है भाई, कौन से स्थान पर वो अंक है वो उस अंक की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। और फेस वैल्यू की बात करेंगे उसकी वास्तविक मान। तो देखिएगा एग्जाम्पल, अगर हम वहां पर बात करते हैं 2, 5, 6, 2, 9, ये एक एग्जाम्पल ले गया हमने 5629। अब यहाँ पे बोला है कि वट इज द फेस वैल्यू, वट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5। 5 की फेस वैल्यू क्या है? तो ध्यान में बात रखनी है, जब भी फेस वैल्यू के बारे में पूछा जाए तो वही अंक जो है उसकी फेस वैल्यू होगा। यहाँ पे 5 की फेस वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। फेस वैल्यू यानी कि वास्तविक मान, तो 5 का वास्तविक मान क्या है भाई? 5 ही है। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता बताओ 9 का वास्तविक मान क्या है, तो आप बोलोगे 9 का वास्तविक मान 9 ही है, ठीक है। अब उसके बाद स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू की बारे में बात करेंगे कि वो कौन से प्लेस पर रखा गया है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे बोला है कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6? तो देखिएगा 6 की वैल्यू कौन से स्थान पे है 6, तो हम क्या करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये हजार पर है तो हम लिख देंगे 6000 भाई, ठीक है। ऐसे होता है ना, पहले क्या आता है? इकाई आती है, फिर उसके बाद दहाई आती है, फिर उसके बाद सैकड़ा आता है, फिर उसके बाद हजार आता है, इसी तरह फिर उसके बाद 10,000 की बात करते हैं, है ना, इस तरह से चलते हैं ना हम। और अंग्रेजी में बोलेंगे तो ये वंस हो जाता है, ये टेंस हो जाता है, 100 और 1000, फिर उसके बाद 10,000 की बात करते हैं, 10,000, इसी तरह से। तो अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे कि बात कर लेते हैं 9, 2, 4, 8, 0, 1, 6। अब यहाँ पे बोला है कि हमें स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। किसकी किसकी? एक तो 9 की निकालो भाई, एक तो 8 की निकालो, और एक 6 की निकालो, ठीक है। तो देखिएगा 6 जो है वो कहाँ पे है? तो ये तो सर, ये तो हमारा वंस है, तो इसको क्या लिखेंगे? इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी? सिर्फ 6 ही आएगी, क्योंकि ये इकाई है। इकाई का मतलब कि एक से गुना हो रहा है,
ठीक है। फिर आठ की बात कर लेते हैं, अब हमें गिनना पड़ेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, प्लेस वैल्यू 8000 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम नौ की बात कर लेते हैं तो ये है नौ, नौ की पूछा गया है तो भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख। तो नौ की कितनी आ जाएगी, नौ की आ जाएगी 90 लाख। कितनी आ जाएगी, 90 लाख, ठीक है। तो ये 92,48,016 इसको हम बोलेंगे। और अगर हम प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान की बात करेंगे नौ की तो वो आ जाएगा 90 लाख। ठीक होगी भाई इतनी बात। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के मुख्य प्रकार। कितने प्रकार की संख्या होती है, एक तो आ जाएगा भाई प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, एक से शुरू होते हैं। तो देखो एक से आरंभ होने वाली गिनती की संख्याएं प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, एन से डिनोट किया जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है भाई, ये तो एक है। सबसे बड़ी एक की प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी अंक की प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ा अंक कौन होता है भाई, नौ होता है सबसे बड़ा अंक। तो ये सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आ जाएगी एक अंक वाली, किसकी, एक अंक वाली, जिसमें कि सिंगल डिजिट की बात करते हैं, सिंगल डिजिट, ओके। उसके बाद क्या बोला है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। अब यहां पर सिंगल डिजिट नहीं पूछा है, सबसे बड़ी संख्या के बारे में, तो अनंत, अनंत यानी कि इन्फानाइट, इन्फानाइट तो हमें पता ही नहीं है भाई सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, ठीक बात हो गया। आगे देखो पूर्ण संख्याएं, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्ण, पूर्ण यानी कि टोटल, कंप्लीट संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू से। तो देखो जीरो ऐड कर दिया नेचुरल नंबर्स में, प्राकृतिक संख्याओं में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ये होगी पूर्ण संख्याएं। आगे नेक्स्ट देखिएगा, पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सर जी ये तो जीरो होगी, बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी की पूछे जाए तो फिर से इन्फिनाइट आ जाएगा, है ना। आगे देखिएगा पूर्णांक संख्याएं, जिनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अब भाई ये इंटीजर्स क्या बात हो गई, तो देखो जब भी हमारे पास किसी भी अंक या संख्या के साथ प्लस लग जाएगा या माइनस लग जाएगा उसको हम इंटीजर्स बोलेंगे, उनको हम पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे। देखो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक का मतलब है कि प्लस लग गया या माइनस लग गया, उसको जब उन संख्याओं के साथ प्लस या माइनस लग जाएगा तो वह पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। और इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई से। तो देखिएगा यहां पे एग्जांपल दे रखा है, ये सारी की सारी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, इंटीजर्स हैं। अब ये दो टाइप्स के हैं भाई, एक बोला पॉजिटिव इंटीजर और एक बोला नेगेटिव इंटीजर, हिंदी में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन का मतलब हो गया भाई पॉजिटिव साइन होगा उनके साथ, और ऋण का मतलब हो गया नेगेटिव साइन होगा, ठीक बात होगी। तो देखिएगा यहां पे +1, +2, +9, +18 ये सब के सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, धन पूर्णांक हो जाएंगे। अगर हम ऋण पूर्णांक की बात करें नेगेटिव इंटीजर की, तो नेगेटिव लगा देना है भाई संख्या के आगे, तो उसको बोलेंगे ऋण पूर्णांक, ठीक है। तो इस तरह से ये ऋण पूर्णांक होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं सम संख्याएं। सम यानी कि इवन, इवन यानी कि जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से हम बात करेंगे एंड सो ऑन, तो इनको क्या बोल दिया जाएगा, सम संख्याएं बोल दिया जाएगा, इवन नंबर्स, ठीक बात होगी। जो ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाएंगी। तो भाई देखो 10, 10 तो दो से डिवाइड हो रहा है भाई, कितना आ गया भाई, 5 आ गया, है ना। फिर हम ले लेते हैं एक, लेते हैं 66 ले लेते हैं, 66 को दो से डिवाइड करेंगे तो 33 आंसर आ जाएगा भाई, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी उनको हम इवन नंबर्स कहेंगे, सम संख्याएं कहेंगे। इसी तरह आगे आ जाता है हमारे पास विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स में क्या होगा, ऐसी संख्याएं जो कि दो से भाग नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त ना हो या विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्याएं बोला जाता है,
ऑड नंबर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहां पे दिया है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये हो गई विषम संख्याएं। नेक्स्ट देखो भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, भाज्य से समझ में आ रहा है भी भाग हो जाएंगी, ऐसी संख्या जो कि भाग हो जाएंगी, है ना। तो देखिएगा, ऐसी संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि ऐसी संख्या जो दो से अधिक नंबरों से डिवाइड हो जाए उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया गया है 2, 6, 8, 9 और 10, 15। अब देखो चार के बारे में बात करेंगे तो चार किस किस से डिवाइड होगा, एक तो सर एक से हो गया, और किससे होगा भाई दो से हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, और एक चार खुद से डिवाइड होगा। तो यहां पे कितने दो से अधिक अंक आ गए, दो से अधिक संख्याएं जिनसे कि चार जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैसी हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। कैसी भाज्य संख्या, ओके, कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब कि भाग नहीं होंगी, तो ऐसी संख्याएं जो एक तो खुद से भाग होंगी, खुद से भाग होंगी, और एक से भाग होंगी, और किससे भाग होंगी, एक से भाग होंगी। तो यही यहां पे लिखा है, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, उनको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल देखो भी, एग्जांपल 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, इसी तरह ये एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब देखो 2 जो है वो 1 से डिवाइड होगा, हाँ जी 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 जो है वो खुद से डिवाइड होगा, तो बस इन्हीं 2 से 2 डिवाइड हो सकता है, इसलिए इनको क्या बोल दिया भाई, इनको बोल दिया अभाज्य संख्या। 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। उसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, 17 को ले लेते हैं, 17 जो है वो एक तो 1 से डिवाइड होगा, ठीक है जी, और खुद से डिवाइड होगा, ठीक बात हो गई। तो इसके दो ही गुणनखंड होंगे, एक एक हो गया, एक 17 हो गया, और ये कैसी है, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। बोला कि एक वन, वन जो अंक है वो ना ही नॉट अ प्राइम नंबर, ना ही अभाज्य संख्या है, और दूसरा बोला है नॉट अ कंपोजिट नंबर, ना ही यह कंपोजिट नंबर है, यानी कि ये ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक बात हो गई। उसके बाद पॉइंट है, दो केवल ऐसी अकेली सम संख्या है जो अभाज्य है, यानी कि दो क्या है, हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर को हमने क्या बोल दिया, सम संख्या बोला भाई, हिंदी में सम संख्या। तो ये एकमात्र ऐसा इवन नंबर है, ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, प्राइम नंबर है, अभाज्य मतलब कि प्राइम नंबर, ठीक। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ रहा है परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं को क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे अंग्रेजी में। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्या जो कि पी वाई क्यू की फॉर्म में होती हैं, जहां पे पी क्या होता है भाई, इसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर, ठीक है, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं अंश, और नीचे जो आता है उसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। और हिंदी में डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं भाई, हर, ठीक है। पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगी, उनको हम रेशनल नंबर्स बोलेंगे, परिमेय संख्याएं बोलेंगे, और ये दोनों पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या है भाई, इंटीजर्स, इंटीजर्स हमने देखा था भाई ऊपर, है ना, तो इंटीजर होते हैं। और क्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, क्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, 4/5 हो गया, 17/19 हो गया, 22/7 हो गया, ये क्या है भाई, ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। ऑलराइट, अब देखिएगा, अब एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि रैशनल नंबर से परिमेय संख्याओं से, कि एक तो ये विभाजित हो जाएंगी, कैन बी डिवाइडेड, कैन बी डिवाइडेड, यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी, एक पॉइंट ये आ गया, और दूसरा हो गया नॉट डिवाइडेड,
नॉट डिवाइडेड बट इन द फॉर्म ऑफ, बट इन द फॉर्म ऑफ रिपीटिंग डेसिमल यूनिट्स, रिपीटिंग डेसिमल यूनिट। अब देखिएगा इसका क्या मतलब हो गया, एक तो ये विभाजित हो जाएंगी भाई, पूरी तरह से विभाजित हो गई, ठीक है जी, इसको बोल दिया हमने परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स, और दूसरा बोला ये डिवाइड नहीं होंगी पूरी तरह से लेकिन रिपीटिंग यूनिट्स बनाएगी, क्या बनाएगी, रिपीटिंग यूनिट्स बनाएगी। अब देखो, देखिएगा एग्जांपल, देखिएगा फिर अच्छे से समझ में आएगा। एक तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, चार बटे पाँच ही ले लेते हैं, तो चार बटे पाँच है, इसको अगर हम भाग करेंगे तो क्या भी नहीं होगा, भाग जीरो लगेगा, फिर उसके बाद पॉइंट लगेगा, उसके बाद ये विभाजित हो जाएगा आठ से, ठीक है, तो ये 40 बन जाएगा, फिर 8 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। इसका आंसर क्या आया भाई, 0.8 आया, दशमलव 8 आया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, रैशनल नंबर कहलाएगी। अब आगे देखिएगा एक और एग्जांपल जो हम ले लेते हैं, वो ले लेते हैं 10/3, 10/3, तो देखो ये बोल रहा है 10/3 पी बाई क्यू की फॉर्म में है, हाँ जी है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा भाई 3.33333 एंड सो ऑन, ये कभी भी पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, इसमें डेसिमल के बाद 3 3 3 लगता रहेगा। अब देखो ये 3 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, रिपीटिंग यूनिट है, तो हमने बोला कि कंटिन्यूसली रिपीटिंग यूनिट जब हमें देखने को मिलेगी सॉल्व करने पर, उस संख्या को भी हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक हो इतनी बात, तो ये परिमेय संख्या से आपने बात ध्यान में रखनी है। इसी तरह से अगर हम और एग्जांपल भी लेना चाहें इसके, तो वो भी ले सकते हैं, डेसिमल ये जो है परिमेय संख्या रैशनल नंबर के, और एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, एक तो आ गया भाई 9 है, 9 को कैसे लिखते हैं, 9/1 लिख सकते हैं, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, हाँ जी ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हमने ये भी बोला कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या होंगे, परिमेय संख्याएं होंगे। फिर इसी तरह अगर हम √81 की बात कर लेते हैं, √81 क्या होता है भाई, अगर हम √ को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 9 × 9, ये आ गया भाई 9 × 9, इसको क्या बोलेंगे हम, √9 × 9, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर जब हम √ के बाहर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 9, तो ये 9 क्या है भाई, ये भी एक रैशनल नंबर है, तो 81 भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है कि ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये परफेक्ट स्क्वेयर होते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर, इनका परफेक्ट स्क्वेयर होता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई √4, तो √ किसका परफेक्ट स्क्वेयर है भाई, 2 का, ठीक है। जब हम √ को लिखेंगे कैसे लिखेंगे, √4 = √2 × 2, 2 × 2 और 2 बाहर आ जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, तो √4 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वेयर हो गया, 2 का हो गया, ठीक बात। तो ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक। अब आगे देखिएगा भाई, आगे जो हमारे पास आएगा अपरिमेय संख्याएं, कैसी हैं अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इरेशनल नंबर्स, कैसे हैं इरेशनल नंबर्स, ऐसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में ना हो, नहीं होती है भाई, पी बाई क्यू के रूप में नहीं होती हैं, और q = 0 नहीं होना चाहिए, q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, वह रेशनल नंबर कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और ये क्या होती हैं, ये नॉट परफेक्ट स्क्वेयर, ये परफेक्ट स्क्वेयर भी नहीं होते हैं, ठीक है जी। परफेक्ट स्क्वेयर का क्या बोलते हैं हम, वर्गमूल, वर्गमूल, ऑलराइट। तो देखिएगा √ की बात करी है इन्होंने, तो √ को कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो एक और पॉइंट जोड़ लेना है कि इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड, इनको सिंपली फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एक बात होगी। फिर यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल यूनिट्स भी नहीं होंगी, नॉट रिपीटिंग डेसिमल यूनिट्स, डेसिमल यूनिट्स, ठीक है, कैन नॉट बी सॉल्व्ड और नॉट रिपीटिंग डेसिमल यूनिट्स,
ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, अंडर रूट दो दिया है, अंडर रूट तीन दिया है, तो इनको हम पूरी तरह से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये अंडर रूट दो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब देखिएगा आगे जिस तरह से, अगर हम एक और बात कर लेते हैं, 0.212111211, तो देखो यहाँ पे भी ये भी रिपीटिंग यूनिट नहीं है, ठीक है, नहीं, डेसिमल के बाद संख्याएं अलग अलग हैं, रिपीट नहीं हो रही हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर जैसे कि पाई की बात कर लेते हैं, भाई पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू 3.142 एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलता रहता है। इसमें भी रिपीटिंग यूनिट्स नहीं होती हैं, डेसिमल के बाद रिपीटिंग संख्याएं नहीं होती हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ओके जी, ये कभी भी नहीं रुकते हैं, ये चलते रहते हैं जब तक आप इसको भाग देते जाओ, भाग देते जाओ, ठीक बात हो गई। तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन आ रहे हैं आगे, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपने पढ़ा होगा बॉड मास, बी से क्या आता है भाई, ब्रैक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैक्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई का साइन, डिवीजन, उसके बाद डिवाइड करेंगे हम चीजों को, उसके बाद एम से आ जाता है भाई मल्टीपल, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन आ जाता है ए से, एडिशन यानी कि जोड़ करेंगे, और एस से आ जाता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो ब्रैकेट्स को ब्रैकेट ही बोलेंगे, ऑफ को बोलेंगे का हिंदी में, डिवाइड को क्या बोलेंगे भाई, भाग देना, मल्टीप्लाई को क्या बोलेंगे भाई, गुणा करना, और एडिशन को बोलेंगे भाई जोड़, और सब्ट्रैक्शन को बोलेंगे घटाना, ठीक बात हो गई। तो आइए देखते हैं आगे, जोड़, तो आप सभी को पता है जोड़ना कैसे होता है, 16 प्लस 11 कितने हो गए भाई, ये तो 27 हो गए, इस तरह से जोड़ते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया है इन्होंने, घटाना, तो घटाते हैं हम, तो जैसे कि 15 से हमने माइनस 9 कर दिए, तो कितना आएगा भाई, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक बात हो गई, सॉरी 4 नहीं 6 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरह से हम घटाते हैं, तो घटाना तो सभी को आता है, गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, ये भी सभी को पता ही होता है भाई, और उसके बाद आ गया भाई भाग देना, तो भाग देना भी सभी को आता ही है। और राइट, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, यस, एलसीएम एंड एचसीएम, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुतम समावर्तक, और दूसरे को एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समावर्तक, ठीक। एलसीएम को क्या बोलेंगे, लघुतम समावर्तक, और एचसीएफ को बोलेंगे महत्तम समावर्तक, ठीक है जी। तो देखिएगा अब बात क्या आती है, सबसे पहले मल्टीपल के बारे में बात करेंगे, गुणज, गुणज जिसको हिंदी में बोलते हैं मल्टीपल्स, तो किसी भी संख्या के मल्टीपल्स क्या होंगे, यानी कि ऐसी संख्या जो उसको डिवाइड कर दे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात, यहां पर एग्जाम्पल दिया है 6 के, एग्जाम्पल दिया है, तो 6 के गुणज क्या होंगे, मल्टीपल क्या होंगे, 6 आ गया भाई, उसके बाद 12 आ गया भाई, 18 आ गया भाई, 24, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, 6 से भाग हो जाएंगे, 6 से भाग हो जाएंगे, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे कि भाई साहब ये तो 6 के मल्टीपल हैं, 6 के गुणज हैं, ठीक। तो डेफिनेशन भी देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणज या अपवर्त्य कहलाती हैं, ठीक है जी। तो अगर हम बात करेंगे भी दो के गुणज क्या होंगे, दो के गुणज, तो जितनी भी संख्याएं हैं जो दो से विभाजित हो जाएंगी उनको दो का गुणज बोलेंगे, 4 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 36 हो गया, 72 हो गया, 78 हो गया, 98 हो गया, तो ये सारी की सारी दो से डिवाइड हो रही हैं, तो ये क्या है, दो के मल्टीपल हैं, दो के गुणज हैं। उसी तरह यहाँ पे 6 के गुणज बोला है, तो ये सारी की सारी संख्याएं 7 से डिवाइड हो रही है, तो 7 के गुणज आ जाएंगे भाई, ये ठीक बात होगी इतनी। अब आगे देखिएगा गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स या गुणनखंड, तो देखिएगा किसी संख्या दूसरी संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, तो विभाजित करने वाली संख्या को, विभाजित होने वाली संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। अब ये आप कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई ये क्या बात हो गई, है ना जी। तो देखिएगा हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेंगे, दो एक एग्जांपल ले लेंगे। अब बताओ भाई दो जो है इसके गुणनखंड क्या होंगे,
गुणनखंड क्या होंगे। तो हमें देखना है कि दो किस किस से डिवाइड हो रहा है। एक तो दो एक से डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी भाई हो जाएगा। फिर दो जो है वो खुद से डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी खुद से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे जिससे ये संख्या डिवाइड हो रही है। एक तो आ गया अभी एक, ठीक है जी, एक, और दूसरा क्या आ गया दो। तो दो के गुणनखंड क्या होंगे, दो के गुणनखंड ये आ जाएगा एक और दो, एक और दो। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, हम ले लेते हैं 80, 80। तो 80 किस किस से डिवाइड होगा, सर एक तो एक से हो जाएगा, हाँ जी एक से हो गया। दो से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है दो से डिवाइड हो गया। चार से हो जाएगा, हाँ जी चार से भी हो गया। फिर उसके बाद आठ से हो जाएगा, हाँ जी आठ से भी हो गया। फिर उसके बाद और कौन कौन से आएंगे, आठ के बाद आ जाएगा हमारा, उसके बाद 10 आ गया भाई, 10 आ गया। उसके बाद 16 आ जाएगा, 16। उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा, 20 से भी हो जाएगा। फिर 32 से हो जाएगा, 32। और उसके बाद और क्या देख, 32 नहीं आएगा भाई, 20 के बाद और क्या आएगा भाई, 20 के बाद 40 आ जाएगा, और 40 के बाद खुद 80 आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, तो ये सारे के सारे इसके गुणनखंड होंगे किसके, 80 के, 80 के, ठीक है। तो इस तरह से हम गुणनखंड या फैक्टर्स की बात करते हैं। तो देखो 18 के गुणनखंड यहाँ पे दिया है, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। इनकी जो 18 है ये इन सभी से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो उनको गुणनखंड बोलते हैं। फिर उसके बाद आ गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब कि प्राइम फैक्टर, यानी कि ऐसी संख्या जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती है, या तो खुद से होगी या एक से होगी, ठीक है, उनको हम क्या बोल देंगे, अभाज्य गुणनखंड बोल देंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 36, तो 36 के अभाज्य गुणनखंड हमने ढूंढने हैं। तो 36 किस किस से डिवाइड हो जाएगा भाई, पहले 36 को देख लेते हैं। 36 एक तो एक से हो जाएगा, फिर दो से हो जाएगा, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं चार से हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर और किससे होगा भाई, चार से भी हो गया, तीन से भी हो जाएगा, ठीक हो गया, नौ से भी हो जाएगा, ठीक बात हो गई। तो देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा कि अभाज्य गुणनखंडों की बारे में बात करी गई है, किसके बारे में, अभाज्य। तो देखो एक तो हम नहीं गिनते हैं भाई, ए य ना ही अभाज्य होता है, ना ही भाज्य होता है, एक की बात करी हमने। फिर उसके बाद दो आ गया, हाँ जी दो है। फिर उसके बाद तीन आ गया, हाँ जी तीन भी है। अब देखो चार को कैसे लिखेंगे, दो गुना दो लिखेंगे तो इसमें से एक आ जाएगा। फिर नौ को कैसे लिखेंगे, तीन गुना तीन, तो इसमें से भी तीन आ जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, सर दो दो तीन तीन। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करके क्या हमें 36 मिल रहा है, हाँ जी दो दुनी चार, चार तीन बारह, बारह तीन 36, हो गया भाई 36 कंप्लीट। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। इसी तरह 70 की बात करते हैं, तो 70 को हम देख लेते हैं भाई, एक तो एक से होगा, हाँ जी दो से भी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। पाँच से हो जाएगा, हाँ जी पाँच से हो जाएगा। सात से हो जाएगा, हाँ जी सात से भी हो जाएगा। और किससे होगा, एक तो 35 से हो जाएगा और खुद 70 से हो जाएगा, ठीक। अब इसके हमें अभाज्य गुणनखंड ढूंढने हैं, तो एक नहीं आएगा भाई, दो आएगा भाई, बिल्कुल ठीक है दो आ गया। फिर उसके बाद पाँच आ जाएगा भाई, बिल्कुल ठीक है पाँच आ गया। फिर सात भी आएगा भाई, हाँ जी सात भी आएगा। अब देखो क्या इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, 70, हाँ जी हो रहा है, सात पंजे 35, 35 दुना 70, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो कॉमन मल्टीपल समापवर्त्य, इनको क्या बोलेंगे, मतलब उन सभी संख्याओं को जिन्हें दी गई दो से अधिक संख्याएं पूर्ण विभाजित कर दें, उन्हें दी गई संख्याओं का समवर्त्य कहते हैं। जैसे 2, 24, 36। अब ये क्या बोल रहा है, कॉमन मल्टीपल क्या है, जैसे कि हम बोलेंगे 12 है, 24 है और 36 है। अब इनमें क्या क्या चीज़ कॉमन आती है वो हमने देखना है। तो अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे तो एक आ जाएगा, फिर और क्या आ जाएगा भाई, दो आ जाएगा, और क्या आ जाएगा भाई, तीन आ जाएगा और चार आ जाएगा। इन सभी से 12 जो है वो भाग हो जाता है। फिर 24 की बात कर लेते हैं, 24 में देखो भाई, 24 में एक तो एक आ गया, दो आ गया, फिर तीन भी आ गया भाई, हाँ जी चार भी आ गया, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आठ आ गया, फिर उसके बाद 12 आएगा, फिर उसके बाद 24 आ गया, ठीक। अब 36 की बात कर लेते हैं, 36 में एक आ गया, दो आ गया, फिर तीन आ गया भाई, चार आ गया, चार के बाद 9 आएगा भाई, 9 के बाद आएगा 18 और उसके बाद 36। अब हमने कॉमन ढूंढने हैं जो सभी में कॉमन है। तो कॉमन क्या क्या है, एक तो एक है, ठीक है जी, एक कॉमन आ गया। फिर दो है, दो भी कॉमन आ गया भाई,
तीनों में, फिर तीन है तीन भी कॉमन आ गया, और चार है चार भी कॉमन आ गया, बाकी के कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल क्या हुए इसके, एक तो हो गया भाई एक, दूसरा हो गया दो, तीन और चार, ये चारों इसके कॉमन मल्टीपल होंगे। अब यहाँ पे एक नहीं गिनेंगे क्योंकि एक तो हर किसी में आएगा, तो यहाँ पे कौन कौन, दो तीन चार, दो तीन चार, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं, जो कि सभी में कॉमन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कम लघुतम, लीस्ट का होता है कम, ठीक है, और लघु को हिंदी, लिस्ट को हिंदी में लघु बोल देते हैं। तो जो सबसे कम बार आए वो कौन से मल्टीपल हैं, मतलब जिस छोटी से छोटी संख्या को दी गई संख्या पूर्ण विभाजित कर देती है उन्हें दी गई संख्या का लघुतम संवर्तक कहते हैं। देखिएगा अब ये क्या बात कर रहा है, जैसे दो तीन चार के समवर्त्यों, दो चौबीस छत्तीस आदि में दो सबसे छोटा है, बारह सबसे छोटा है, अतः दो तीन चार का लघुतम संवर्त्य क्या होगा, बारह होगा। इनकी एलसीएम, तो एलसीएम के बारे में हम पढ़ते ही हैं भाई, एलसीएम कैसे निकाले जाए, ये दो है ये तीन है ये चार है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने पे हम क्या करेंगे, इसको पहले दो से भाग देंगे, हाँ जी दो से भाग दे दिया, फिर से दो से भाग जाएगा, हाँ जी दो से भाग जाएगा, फिर तीन से भाग जाएगा, तीन से, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो भाई, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ये सबसे छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है बात। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं और लेते हैं भाई 27 ले लो भाई, 27 ले लिया और साथ में ले लो भाई 81 ले लो। अब बोला कि इन दोनों का एलसीएम निकालो, तो इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे कि सर 27 और 81 को लिखेंगे, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, भाई किससे डिवाइड होगा सबसे पहले, तो सबसे पहले ये होगा तीन से, तीन से आ जाएगा तो ये आ जाएगा 9, और यहाँ पे क्या आएगा भाई, तीन दूनी 6, और यहाँ पे आएगा 27। फिर तीन से फिर से भाग होगा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है तीन से हो, फिर से तीन से होगा, हाँ जी तीन से होगा, फिर से तीन से, हाँ जी तीन से, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो भाई सभी को, तीन तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू 81, यानी कि लघुतम समवर्तक 81 आएगा भाई 27 और 81 का। ठीक बात हो गई इतनी, तो यही एलसीएम होता है भाई। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए दो मेथड्स का यूज किया जाता है, एक है डिवीजन यानी कि भाग विधि, जैसे कि मैंने अभी बताया भाग करेंगे भी सभी संख्याओं को और जो भी होगा मल्टीप्लाई करेंगे उन सभी को और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह गुणनखंड विधि होती है, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, हम गुणनखंड निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 8, 30 और 36, तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे, एक तो सर 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद हम बोलेंगे 2 हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, फिर 4 हो जाएगा, है ना इस तरह से, और इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं भाई। ठीक, फिर 30 के निकालेंगे, तो 30 में क्या क्या आ जाएगा, 30 में इक्वल्स टू 2 × 3 × 5, ये इसके 30 के गुणनखंड होंगे। फिर 36 के बारे में बात करेंगे, तो 36 में क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 3, ये 36 के गुणनखंड आ जाएंगे। अब देखिएगा कैसे लिखना है भाई इनको, इनको कैसे लिखना है, तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास तीन कितने हैं, 2 हैं, तो इनको लिख दो भाई 2³ आ गई, ऑल राइट। फिर सबसे ज्यादा देखना है हमने, तो 3, 2³ आ गई, उसके बाद हम देखेंगे तीन जो है, तीन की सबसे ज्यादा कितनी बार है, 3, 2 बार है, तो 3² लिख देंगे। फिर हम 5 देखेंगे, तो 5 तो 1 बार ही है, तो इसको भी लिख देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये तो 8 बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, और इसका एलसीएम कितना आएगा, 360 आएगा। ठीक बात हो गई, तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं। तो देखो कॉमन फैक्टर हमने पहले पढ़ लिया भाई, अब आ जाओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको कि महत्तव समवर्तक कहते हैं, HCF। अब पहले तो हमने लीस्ट पढ़ा, लीस्ट में सबसे छोटी संख्या देखी जाती है, और HCF में क्या देखी जाएगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि सबसे ज्यादा बार आ रहा है या सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है उसको देखेंगे, इसलिए हाईएस्ट यहां पे बोला। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो से अधिक संख्याओं को पूर्ण विभाजित कर दे,
तो उसको उस संख्या का एचसीएफ बोलते हैं, महत्व समवर्तक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है 18 तथा 24। अब बोला गया भाई 18 तथा 24 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो देखिएगा कैसे निकालना है भाई इसको। इसको देखो पहले 18 के गुणनखंड देखेंगे भाई, ठीक है जी। ये आ गया, एक आ गया, दो आ गया, फिर कितना आएगा भाई, आ जाएगा 6, तीन भी आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6, उसके बाद क्या आएगा भाई, उसके बाद सीधा ही आ जाएगा 18, 9 भी आ जाएगा साथ में, 9 भी लिख लो भाई, 9 और 18। अब 24 की बात कर लेते हैं, 24 में एक दो आ गया, तीन आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया और 12 आ जाएगा भाई, 12 भी आ गया और फिर साथ में 24। अब हमने देखना है भी हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो देखो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा देखो 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 ये 6 आ गया भाई, 6 आ गया, ओके। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, एच सी एफ बोल देंगे। तो व्हाट इज द एच सी एफ ऑफ 18 एंड 24, तो आप बोलोगे कि सर ये तो 6 रहेगा, ठीक बात हो गई इस तरह से। तो इसको भी दो तरह से हम देख सकते हैं, एक तो डिवीजन मेथड भाग करके। अब देखिए भाग कैसे करना है, भाग कैसे, यही एग्जांपल लेता हूं मैं 18 और 24 का। तो जो बड़ी संख्या होगी वो आ जाएगी भाई बीच में और 18 जो है वो आ जाएगा बाहर, यानी कि 24 को हम भाग देंगे 18 से, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 18 को एक बार, कितना आ गया आंसर भाई, ये तो आ गया सर 6 आ गया, बिल्कुल ठीक बात है 6 आ गया। 6 को डिवाइड करेंगे किससे, अब ये 18 यहाँ पे बीच में आ जाएगा, ये आ गया बीच में 18। अब इसको करेंगे 6 * 3 = 18 और ये पूरी तरह से तब तक करते जाएंगे जब तक यहाँ पे जीरो नहीं मिलती है, ये जीरो नहीं मिलती है, ठीक है। और जब हमारे पास जीरो आ जाएगी तो वो वाली संख्या जिससे हमने भाग दिया होता है वो होती है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे बात कर लेते हैं 24, 60 और 84, इसका बोला कि HCF निकालो। तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले संख्याओं को लेंगे, संख्याओं को ले लेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे 84 की बात हो रही है, 84 ले लिया बीच में और 60 से इसको भाग दे देंगे, चलो भाई 60 से भाग दे देते हैं, 60 ये आएगा ऐसे, ये 24 आ गया भाई। अब देखो 24 हमें क्वेश्चन में भी दिया है और यहाँ पे भी 24 आ गया। अब ये 60 जो है इसको ले आओ इधर, 60 को भाग देंगे अब 24 से, तो 24 दुने 48 होते हैं भाई, ठीक है जी। ये आ गया 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, 12 आ गया भाई। अब 24 को फिर से ले आओ, 24 को भाग देंगे 12 से, तो कितना आएगा 12 * 2 = 24, तो देखो यहाँ पे आ गई 0। अब 0 आ गई तो जिस संख्या से हमने भाग दिया होगा वो आ जाएगा HCF, तो इसका HCF क्या होगा सर, इसका HCF तो 12 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है भाई, 12 इसका HCF आ गया, ओके। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है भाई, HCF भाग विधि से ऐसे निकाला जाता है। और दूसरा आएगा भाई गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड में हम फैक्टर्स निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे और जो भी गुणनखंड कॉमन होगा सभी में उसको ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 18, 30 और 42 का एग्जांपल दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 18, 30 और 42। अब इसका हमने निकालना है HCF, HCF ऑफ बाई विच मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणन खंड विधि से, गुणन खंड विधि, ओके, गुणन खंड विधि, यस। तो देखिएगा कैसे करना है, देखो 18 के गुणनखंड निकालने हैं हमें, तो 18 के गुणनखंड निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे भी, पहले तो 2 से जाएगा, हाँ जी 2 से चला गया, 9 किससे जाएगा 3 से, तो 3 से 3 बार, फिर 3 जो है वो एक बार जाएगा 3 से। तो देखिएगा क्या क्या बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया और एक फिर से 3 बन गया, ऑलराइट। अब उसके बाद 30 ले लेते हैं, 30 के भी गुणनखंड निकालो भाई, 30 सबसे पहले 2 से जाएगा, हाँ जी 15 आ गया, फिर 3 से जाएगा, हाँ जी 5 आ गया, फिर 5 से जाएगा, तो इसके आगे 2, 3 और 5। उसके बाद देखो भाई 42 तो 2 से जाएगा, हाँ जी भाई 2 से चला गया, फिर 3 से जाएगा ये, हाँ जी, फिर 7 से जाएगा, हाँ जी, तो 42 के क्या गए 2
तीन और सात। अब हमने देखना है भी सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी संख्या है। तो एक तो आपको दिख रही होगी जी, सभी में दो 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 है तो दो लिख लेंगे भाई। फिर और कौन सी है सर, तीन 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 भी है भाई, तीन को भी लिख लो। तो ये कितना आ गया, छः आ गया। तो छः जो है वो क्या होगा, इसका एच सी एफ होगा। तो देखिएगा यहाँ पे भी छः जो है क्या, इसका एच सी एफ आ गया। इस तरह से हम गुणनखंड विधि से एच सी एफ निकालेंगे। एक और एग्जांपल दे देते हैं भाई, एच सी एफ ऑफ 18, 36 और 48। ये एग्जांपल ले लेते हैं बाई गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 18 के गुणनखंड निकालो भाई। ऐसे निकालेंगे 18 के, दो से जाएगा 9 आएगा, फिर तीन से जाएगा 3 आएगा, फिर से तीन से गया तो ये 2, 3 और 3 ये आ गए। अब 36 के निकालो भाई, 36 के निकालने, दो से जाएगा भाई, हाँ जी दो से गया, फिर उसके बाद फिर से दो से, हाँ जी दो से, फिर तीन से और फिर से तीन से। तो इसके आगे दो दो आ गया, फिर से दो आया, तीन और तीन। फिर उसके बाद है 48, तो 48 के निकालेंगे भाई, 48 के निकाल देते हैं। यहाँ पे दो से जाएगा, हाँ जी दो से, फिर से दो से जी, फिर से दो से, हाँ जी फिर दो से, हाँ जी फिर तीन। तो ये आ गया दो 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 और तीन। अब हमने देखना है अभी कॉमन कितने हैं भाई, दो दो दो, हाँ जी दो कॉमन आ गया। फिर और कौन कौन सा कॉमन है, ये तीन तीन तीन, ये भी कॉमन आ गया, तो ये तीन आ गया। तो इसका भी क्या होगा, छः ही होगा, छः ही इसमें एच सी एफ आएगा, महत्वपूर्ण समवर्तक आएगा। तो इनका महत्व समवर्तक क्या होगा सर, छः होगा। ठीक, बाकी कोई नहीं लेने, वही लेने हैं जो कॉमन है। तो देखिएगा यहाँ पे ये दो 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 कॉमन है सभी में, और ये तीन, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, तो यही संख्या हमने लेनी है जो कॉमन होगी। और कितनी बार लेनी है, सिर्फ एक बार ही लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से एच सी एफ निकाला जाता है, महत्वपूर्ण समवर्तक। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो भाई, महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है तो उसका एलसीएम बड़ी संख्या होगी। गुणज, गुणज का मतलब क्या हो गया भाई, फैक्टर है। तो जो बड़ी संख्या होगी वही उसका एलसीएम होगा। ठीक है, जैसे कि हमने बात कर ली चार और छः की, चार और छः, चार और आठ लेते हैं भाई, चार और आठ। तो देखो आठ जो है वो चार का गुणज भी है, क्योंकि चार गुणा दो क्या होता है, आठ होता है ना। तो देखिएगा, अब देखिएगा इसको ध्यान से, चार को हमने कैसे लिखा भाई, दो गुणा दो लिख दिया। फिर उसके बाद आठ लिखेंगे भाई, दो गुणा दो गुणा दो, इस तरह से आएगा। अब देखो यहाँ पे दो दो जो है वो तीन दो बार आ रहा है, दो का स्क्वायर हो गया, दो जो है वो यहाँ पे तीन बार आ रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सर, आठ हो जाएगा। यही यहाँ पे बोला है कि अगर चार जो है आठ का गुणज है तो बड़ी संख्या एलसीएम होगी। तो यहाँ पे आठ जो है वो एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है यहाँ पे। ठीक बात हो गई। उसके बाद देखो, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड हो तो उनमें से छोटी संख्या उनका क्या होगी, एच सी एफ होगी, महत्व समवर्तक होगी। अब यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, चार और आठ। अब इन्होंने बोला कि ये अगर गुणनखंड हो दूसरी संख्या, तो चार जो है वो आठ का गुणनखंड है। देखो आठ कैसे लिखेंगे हम, दो गुणा चार लिख देंगे, है ना। तो चार क्या आ रहा है यहाँ पे, गुणनखंड आ रहा है आठ का। तो यहाँ पे छोटी संख्या जो है वो एच सी एफ होगी, तो फोर इसका क्या आ जाएगा, एच सी एफ आ जाएगा, चार इसका एच सी एफ आ जाएगा। ठीक बात हो गया। फिर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है भी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। बोला कि फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर इक्वल्स टू एच सी एफ गुना एलसीएम, इन्हीं संख्याओं का महत्व समवर्तक और लघुतम समवर्तक। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम एग्जाम्पल के रूप में। देखो भी, यह आ गया हमारी पहली संख्या, पहली संख्या, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई गुणा दूसरी संख्या, हाँ जी सर दूसरी संख्या भी आ गई। चलो जी दूसरी संख्या लिख देते हैं भाई यहाँ पे, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या ये किसके बराबर होंगे, लघुतम समवर्तक।
लघुतम समवर्तक गुणा महत्तम समवर्तक, इनकी एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है जी, अब इसको एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। पहली संख्या जो है हमारे पास कितनी है भाई, चार मान लेते हैं पहली संख्या, पहली संख्या इज इक्वल टू चार। और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को मान लेते हैं भाई छः मान लेते हैं। ठीक है, अब बोला कि अगर हम पहली संख्या को गुणा करेंगे दूसरी संख्या के तो वो किसके बराबर होगा, एलसीएम ऑफ दैट नंबर, यानी कि चार और छः का एलसीएम और दूसरी तरह एचसीएफ। तो देखिएगा इसको निकालते हैं भाई, चार और छः का एलसीएम निकालें जल्दी से। ये निकाल दिया भाई, हाँ जी सर निकाल दिया, आ गया जी सर आंसर आ गया। कितना आया, दो गुणा दो गुणा तीन, तीन दूनी छः दूनी बारह, बारह आ गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो चार और छः का एलसीएम क्या हो, एचसीएफ क्या होगा, तो इसको हम भाग मेथड से करते हैं। छः यहाँ पे आ जाएगा, चार यहाँ पे आ जाएगा, चार एकम चार और ये दो, इसको करेंगे इस तरह से तो ये आ जाएगा चार, आंसर जीरो आ गया भाई। तो ये दो जो है इसका एचसीएफ निकलेगा भाई, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ गया बारह और एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आ गया भाई दो। तो यहाँ पे हम दो लिख देंगे। अब देखो छः चौके चौबीस और इस तरफ बारह दूनी चौबीस, भाई बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी, इतनी बात हो गई। अब आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि आपको पहली संख्या दी गई है चार, दूसरी संख्या दे दी गई है छः और एलसीएम दे दिया गया है बारह। अब बताओ भाई एचसीएफ क्या होगा, महत्व समवर्तक क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो चार गुना छः जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये भाग में चला जाएगा और एचसीएफ हमारे पास निकल आएगा। तो एचसीएफ इक्वल्स टू चार को हम तीन, तीन से दो, एचसीएफ कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा भाई। तो क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। आपको दोनों संख्याएँ दी जाएंगी, दोनों संख्या दे दी, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों दे दी और आपको एलसीएम भी दे दिया, एलसीएम भी दे दिया और पूछा गया भाई एचसीएफ बताओ, एचसीएफ बताओ। इसी तरह और कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, फर्स्ट संख्या आपको नहीं दी, सेकंड दे दी भाई, ठीक है, एलसीएम भी दे दिया और एचसीएफ भी दे दिया। अब आपसे पूछा गया कि बट इज द फर्स्ट नंबर, पहली संख्या क्या होगी, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसका यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, मैंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।